हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। सो आज सोंदी सुबह सुबह 5 बजे बना रही है फूली फूली पूड़िया। और सोंदी ने देख रखा है ये साइड में। सो भाई जल्दी बोल ले सोंदी। सॉरी गाइस, मेरे को दीजिए चोट की वजह से थोड़ी हंसी आ गई थी क्योंकि मैं इनसे थोड़े से मजाक कर रही थी इस वजह से। बाकी सोने ने साइड की गर्दन से मैं बोल रही हूँ कबूतर देख रखा है। बाकी आप लोगों ने देखी होगी तन्नु वेड्स मन्नु तो आप समझ जाएंगे। लो फिर पूरे रास्ते नहीं पिएगा वो पिएगा ठीक वहां पे। वहां दूध मांग रही हूँ या धर्मशाला में रुकती है ना पापा जब मांग रही तो बोतल ले जाती हूँ है ना। कैसा लग रहा है पापा? बढ़िया लग रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। उठने का मन नहीं कर रहा किसी का। मम्मी ने गंद फैला रखा है, आलस चला रखा है। लेट जा, इसके पापा को दे दूंगा सेट। पापा की तो खराब ले ले। गिरधारी, तुम्हें जाने का दुख हो रहा है? बहुत बहुत दुख हो रहा है तुम्हें? ये दुख है इसको, बैक पैक हो रहा है और ये हमारे गिरधारी बैठे हैं। सोच रहे होंगे कि हम कहाँ की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली हम जा रहे हैं हम अपनी कुलदेवी के लिए, जो मेरी मायके वाली कुलदेवी बनती हैं, जो जोबनेर माता। सो वो है जयपुर राजस्थान में, तो वहीं के लिए हम लोग निकल चुके हैं उनके दर्शन करने के लिए। पापा का थोड़ा मूड खराब है क्योंकि हम दरी भूल चुके हैं। पापा आप कुछ बोलना चाहोगे? तो डांट पड़ रही है तो थोड़ा मूड खराब है पापा का। बाकी आप मेरे साथ बने रहिए। राम राम जी। आप पैदल पैदल जा रहे हैं? खाटू शाम तक जाएंगे पैदल पैदल। देखो ये बाबा हैं, ये खाटू शाम तक जा रहे हैं पैदल पैदल। ऐसे ही जाएंगे? कब तक पहुंच जाएंगे आप? दो तारीख तक। जितने लोग आ रहे हैं सारे के सारे अभी जा रहे हैं खाटू शाम में पैदल ही पैदल। चलिए जी, बाबा जी को हमारा भी सलाम कहिएगा। ओके जी, धन्यवाद। गुड़गांव से तो कितने टाइम हो गया आपका आए हुए? परसों से चले हैं। और रुकते कहाँ हैं आप? रुकते कहाँ हैं? श्याम बाबा की मर्जी, कहीं शिविर हो या फिर होटल पे। अच्छा, जैसे मतलब लोगों ने कुछ अरेंजमेंट करे हुए हैं रस्ते में। अच्छा, नहीं फिर भी बहुत बड़ी बात है आप इस उम्र में आके भी मतलब बाबा जी के पास जा रहे हो, कोई तो है कृपा है। देखो सब कुछ है चमत्कार, सब चीज ही है। अच्छा, 11 महीने जाता हूँ दादी से। अच्छा, हर महीने जाता हूँ दादी से। यही है, एक टाइम के बाद सेवा ही रह जाती है और कुछ नहीं है। मेरे पे बहुत ज्यादा बाबा की मेहर है। चलिए कोई बात नहीं जी, सब हमारे ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं, हम भी इस काबिल बन पाए। रहते तो दिल्ली में ही है, मतलब घर वाले जो है, वैसे पापा गए थे एक बार, उसके बाद एक बार मैं घूम आया। बाबा से हमारी भी अर्जी लगाना कि भाई हमें भी जल्दी से बुलाए, कामयाब करें। हाँ चलिए जी, जय श्री श्याम। सो गाइस, ये बाबा जा रहे हैं खाटू श्याम जी, देख सकते हैं यहाँ काफी सारे और सारे लोग हैं, वो भी खाटू श्याम जा रहे हैं। और ये लोग पैदल ही पैदल जाते हैं ऐसे, जैसे कि बाबा ने बताया वो गुड़गांव से चल के आ रहे हैं। 2-3 दिन हो गए हैं और 2 तारीख तक पहुंचेंगे वहाँ पे। सो
कुछ लोग देख सकते हैं आप, ये आई थिंक आप देख पाए तो ये, तो ये सब लोग पैदल पैदल जाते हैं खाटू श्याम तक। बाकी रुकने का कहीं होटल है, कहीं कुछ लोगों ने सुविधा करी होती है पंडाल टाइप, वहाँ पे लोग खाना खाते हैं और रेस्ट करते हैं कुछ। बाकी मिलते हैं आप लोगों से वर्षा के साथ। सो गाइस, हम लोगों ने ढाबे पे रोकी अपनी गाड़ी और हम चाय पी रहे हैं, एंड पापा भी, पापा ले अब ठीक है, आप मैं बोतल में डाल देती हूँ, बोतल तो ठीक है। सोनी कबूतर गाइस, हम लोग ले रहे हैं चाय के मजे और बज रहे हैं आज। सो गाइस, हम लोग हैं हाईवे पे और हाईवे पे चलते चलते अमन ने खरीद ली है थार, ये देखिए। आ जाओ सारे, सबको घुमा के लाते हैं थार के जा रहे हैं। और ये ओल्ड वन है, न्यू वाली अभी हमारी वाली बाकी है, सो ले लेंगे हम। हाँ जल्दी लेंगे। बाकी आप लाइक सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सा वीडियो बढ़ा देना, जल्दी से ले लेंगे थार। आपको भी बुला, एक एक सबको बुला सपोर्ट करना, एक एक करके सबको बुलाएंगे और सबको घुमाएंगे थार पर। वेलकम टू राजस्थान। ये है माता का मंदिर जहाँ हम दर्शन करने जाएंगे, बहुत ही जाना पड़ेगा, बहुत ही ऊंची चढ़ाई है। ये है मेन रोड जहाँ पे हम लोग आके भी रुके हैं। और यहाँ पे चढ़ाई करके ट्रैक करके जाना है, लेट्स सी कितना टाइम लगेगा देखते हैं। ये गाड़ी इन्होंने शायद हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, यहाँ पे गाड़ी आगे बढ़ चुकी है ऑटोमेटिकली। आई थिंक कुछ हैंड ब्रेक नहीं लगाया इन्होंने, अभी दुर्घटना घट जाती है, इसलिए कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऑलवेज हैंड ब्रेक लगाना चाहिए जब आप गाड़ी खड़ी करते हैं। अभी ये गाड़ी इन्होंने हैंड ब्रेक नहीं लगाया और ऐसी छोड़ दी, सो माता ने बचा लिया। धर्मशाला लेने वाले हैं जिसमें थोड़ा देर के लिए नहाना वगैरह करने वाले हैं, स्टे करने वाले हैं थोड़े दो तीन घंटों के लिए। हम धर्मशाला में अब रिलैक्स होके बैठ चुके हैं, एंड पापा बिलिंग वगैरह करवाने गए हैं और अमन और जिया जी और विशाल भी उन्हीं के साथ है। तो अभी हम रिलैक्स कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। चीज दिखाओ।
पापा और विशाल की तरफ से चढ़ावा जो था वो लेके और हम जा रहे हैं माता रानी के पास। हाँ हैंगे, थोड़ी चढ़ाई लंबी है बट धीरे धीरे हो जाएगी क्लियर। वो देखो अमन को पीछे प्रसाद लाते हुए। सो पहला स्टॉप गाइस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बोले तो अभी तो चढ़ाई शुरू हुई है। हाँ ये यहाँ से दिखती है पिंक सिटी, थोड़ी बहुत दिख सकती है, देख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खड़ी चढ़ाई है, ब्रिस्क वॉक जैसे कि आप देख सकते हैं। अमन पापा विशाल एंड आगे सोनी चल रही है, देख सकते हैं आप, ये ब्रिस्क वॉक है। ये वर्षा चलो जय माता की। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं माता के दरबार। जय हो जोग निर्मैया, जय हो जोग निर्मैया। अमन और डब्बू जी है जी और विशाल, एक रिचुअल होता है हम यहाँ पे मंदिर में घर बना सकते हैं, तो ये अपना अपना घर बना रहे हैं। तो विशाल का है सबसे बड़ा घर पैलेस और अमन और टप्पू जी जी अमन ने रेस्टोरेंट बनाया और टप्पू ने वो ढाबा बनाया इतनी फ्लाइट पूरी हो जाए। मेरा पहले देखो, मेरा पहले देखो। और ये अमन देखो, ये देखिए चलो तेरे घर तोड़ने भी चल। और ये अमन बाल पीछे का घर बनाते हुए, ठीक है अमन हो गया। बस भाई अब गिरना नहीं चाहिए, आ जाओ की जाए। चलो बेटा चलो, जा बोला है ये लग रहा मेरे पहले। वाह 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 वाह, ये तो है पहले से बना होगा 7 स्टार। चलो चलो चलो, वेरी गुड। और ये अमन को खिसकाते हुए और ये गिर जाएंगे सबके साथ। देख रहे पापा, देख पिकॉक देख। सो गाइस ये लोग सब थक चुके हैं और अब हम उतर रहे हैं, तो सब पानी पियेंगे। गाइस हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और अब हम थोड़ा सा रुक रुक के बैठ के थोड़ा सा उतर रहे हैं। और अमन देखो फैल चुके हैं बिल्कुल, और पापा भी देख लो, और सोनी की तो शॉपिंग खत्म नहीं होती आप लोगों को जैसे कि पता ही है। और विशाल फुल सर्विस देने में लग रहा है। और अमन कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था, आएंगे दोबारा देखते हैं, माता बुलाएंगे तो जरूर आएंगे। तो गाइस हम नीचे उतर चुके हैं और पापा कुछ मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं और हम सब वेटिंग में हैं। हम अपने धर्मशाला की तरफ मुड़ेंगे और वहाँ जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, फिर वहीं मिलते हैं आप लोगों से। गाइस हम लोग आ चुके हैं धर्मशाला में। रात बिताता है फिर कल सुबह निकलेंगे। तेरी मम्मी को पकड़ के ले जाता था मैं, तुमने छोड़ छोड़े। हेलो
गाइस गुड मॉर्निंग, सुबह के हो रहे हैं 7:45 और ये पापा कितने नींद आ रही। पापा गुड मॉर्निंग कहो आपको। गुड मॉर्निंग। ये सोन भी हमारी और वो विशाल बाकी बच्चे और वो लोग बाहर गए हुए हैं, तो थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि थक चुके हैं। देख ये सारी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर निकलेंगे हम लोग। ये जो मैं लेके आई हूँ ना लहंगा, ये वाली चल रहा है। और ये विशाल पापा से पंगे लेते हुए उनकी बद्दी में बैठे ना। बचपन की यादें बद्दी में उठा के लेके जाओ। मोजी खिलाओ। स्लो छे पापा, स्लो छे नींद आ रही है। और ये सोनी सिर्फ अपने सामान के यहाँ बैठी हुई है, पूरा सामान अपना ही लेके बैठी हुई है, बाकी हमारा इधर है। और सोनी सोच रही दरवाजे से बाहर एकदम बैठे बैठे ऐसे ही चली जाएगी सीधा पार। चलो तो गाइस हम निकलने के लिए रेडी हो गए। बोल तो सही कुछ। और हम पहुंच चुके हैं अब राजस्थान में चूमू, एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। और ये गाय को देखिए, और ये गाय को देखिए, ये बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी का उसकी गाड़ी तो है, ये अपनी गाड़ी है, घर छोड़ गई है। बंदी और अमन, अमन तो अमन को देखो सोनी का धीरे धीरे स्विंग होते हुए, और ये अमन का पूरे मजे ले रहे हैं अमन। हेलो गाइस, सो हम पहुंच चुके हैं घर, और घर का हाल क्या बताएं। जैक बेटा ने खाना ही नहीं खाया है, देखो पूरा एज इट इज रखा हुआ है। दो दिन हो गए हमें, बट ये अब खा रहा है खाना हम लोगों को देख के मिलने के बाद। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने अपने घर, मीन्स हमारा सबका ये एक ही घर है। बहुत बुरा हालत हो रही है घर की भी, देखो घर की और बालों की दोनों की और शक्ल की अलग। मेरे बाल में आंधी आ रखी, तूफान भी आ रखा है। और सोन दी गई है थोड़ा चाय वाय बनाने, हम जाएंगे अब नहाने। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से टाटा बाय कर ली जाए। तो व्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे सपोर्ट करना। हालत बहुत बिगड़ी हुई है अब, जैसे कि मुझे देख सकते हैं बाल अलग जा रहे हैं। और बस बहुत सारा प्यार देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। अगर मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, और नहीं किया तो कर लो, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।